वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हमारे पेपर ख़त्म हो चुके हैं और कल हमारे स्कूल में था दशहरा सेलिब्रेशन, और दशहरा सेलिब्रेशन के साथ साथ और भी कुछ बहुत सारे सेलिब्रेशन थे। तो रावण भी जलाया गया था, तो मेरे पास उसकी कुछ क्लिप्स हैं, देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। युवराज राम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया है। अयोध्या की महारानी को मेरा अभिवादन। बहलाने का प्रयास न करिए स्वामी। ऐसा विचार क्यों है आपसे? रात पुरुषों का क्या कल को मुझसे कोई और सुंदर मिल गई तो वो यहाँ की महारानी बन जाए। मैं स्त्रियों का ये कुछ समझता हूँ सीते। मैंने अपनी माताओं को इस चक्र में फंसे हुए देखा है। शोध का डंक विष ही होता है। तुम नहीं जानती सीता, मैंने बहुत पहले ही ये प्रण ले लिया था कि मैं कभी भी दूसरा विवाह नहीं करूंगा और मेरे जीवन में सिर्फ एक ही स्त्री रहेगी और वो तुम हो सीते। स्वामी मैं भी साथ ही रहूंगी। अब तो अभिवादन स्वीकार करो महारानी। और ये जीता मैंने लक्ष्य, तू फिर से हार गई मंथरा। हंस लीजिए रानी, जी भर के हंस लीजिए। पता नहीं भविष्य में राम के राजा बनने के बाद हंसने का मौका मिले या नहीं। क्या बोलती है तू? कहती हूँ कि मैं तो आपको इतना बताना चाहती हूँ कि महल में आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। राम के राजा बनने के बाद आपको और भरत को आप राम राम भजते रहे रानी, लेकिन राम तो वही करेगा जो उसकी युद्ध का स्मरण है ना। महाराज का जीवन बचाया था आपने और उन्होंने आपसे दो बार मांगने का वचन दिया था जो आपने उस समय नहीं मांगे थे। हाँ ऐसा ही होगा। और दूसरे में भारत का राज्याभिषेक। हाँ ऐसा ही होगा। उषा के आसन पर ही बैठूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो राम? माता सीता महाराज ने मुझे वनवास देश में 14 वर्षों के लिए वनवास। मेरे पुत्र मैं तो कहीं नहीं जाने। माता पिता के वचनों की रक्षा करनी है, मुझे जाने की अनुमति दे। भैया भैया क्या मैं जी सुन रहा हूँ वो सच है, आपको वनवास भेजा जा रहा है। करने की जरूरत नहीं है, मैं अधर्म और पाप से युक्त राज्य का लोभी नहीं, मेरे जाने की व्यवस्था करो। क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो, दुर्भाग्य है मेरा मेरे पुत्र। ऐसा मत कहिए कि काशी 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। नहीं राम, तुम तलवार के बल पर कौशल पर शासन करो मेरे पुत्र। स्वापुवंश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ पिताजी, और राम के जीवन में ये तो संभव नहीं। चलता हूँ। मत जाओ राम, मत जाओ। तो राम को वनवास जाते देख ये असीम दुख राजा दशरथ से। आपके मां को सिंदूर नहीं है तो आपके आभूषण कहाँ है? तो क्या बात है मां, उसके बच्चे का भी आपके कष्ट नहीं कहा है? पिताश्री बताइए मां कहा है? एक बार संसार में आता है उसे दूसरी बार संसार का त्याग भी करना पड़ता है। मृत्यु के पश्चात जो परमधाम ऋषि मुनियों को प्राप्त होता है, तुम्हारे पिताश्री भी उसी परमधाम को सिधार रहे हैं। क्यों? ये तो
तो बहुत बड़ी अनहोनी होगी माता, उस समय भैया राम और लक्ष्मण कहाँ थे? वन में। वन में क्यों? तुम्हारे पिताश्री ने मृत्यु के पश्चात उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। क्यों माता, भैया तो ये अपराध कर ही नहीं सकते, और ये ठंड तो अपराधी दिया था ना। भरत के पूछने पर कैकेयी ने आरंभ से लेकर अंत तक हमें जाने दो, हमारे लिए और कष्ट ना करो। मुझे तो आपकी सेवा करने में कोई कष्ट नहीं प्रभु, मुझे तो आपकी कष्ट वाली बातें सुनकर ही कष्ट हो रहा है। प्रभु मैंने भी सुना है चरणों का बखान, जब एक पत्थर की मूर्ति एक नारी में बदल गई, अगर मेरी भी नारी में बन गई तो मैं दो दो पत्नियां कैसे संभालूंगा। मैं आपको नाव में बैठाने से पहले आपके पैर खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।